मोहम्मद शामी। जनरली क्या होता है, एक अच्छी परफॉर्म के बाद, एक अच्छी टीम परफॉर्म के बाद कोचेज या सपोर्ट स्टाफ से कोई इंटरव्यू लेने के लिए आता है। आज मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने बॉलिंग कोच के पास, पारस। क्या तैयार हो? तैयार है भाई, तैयार है, समर्पित हो गए हैं। ऑनेस्टली बोलूँ, क्या फील कर रहा है, आई थिंक इतनी खुशी होती है बाहर जाके देख के, जिस तरह से आप सब बॉलिंग कर रहे हैं कि बस ऐसे ऐसे बाहर से देखना अच्छा लगता है। अगर वो फील जो मैं वो जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं अगेंस्ट आपके सबके, तो वो डर क्या फील होता होगा, वो फील मुझे एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। ऐसे ही मुझे एक्सपीरियंस करते रहना आगे के मैचेस। वैसे एक चीज आपके लिए ठीक है, आपकी जॉब बच जा रही है आपका। आप सबके मेहरबानी यार। हाँ, तो लास्ट के दो तीन मैच के लिए लेकर चलते हैं इनको पीछे। जब न्यूजीलैंड में मैच था, न्यूजीलैंड से मैच था हमारा धर्मशाला, तो क्या लगा था कि हम लोग डिफेंड करेंगे वो? नहीं, डेफिनेटली आई थॉट कोई भी ऑनेस्टली ऐसे नहीं कि हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट जस्ट जनरली जो एक कॉन्फिडेंस है सब में, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक इन टर्म्स ऑफ इंडिया आज उसने परफॉर्मेंस किया, आप कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हो, कुलदीप ने किया है, सो उन सबका कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि नहीं है ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं आज आएगा, कोई ना कोई अपने टीम के लिए डिलीवर करेगा और बाकी के बंदे जो हैं उसको सपोर्ट करेंगे। क्या एडवाइस है आने वाले अपकमिंग मैचेस के लिए? एक एक मैच एक एट अ टाइम देखेंगे। ये आज मैच हो गया, आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, अब नेक्स्ट आगे आप सबको भी और मुझे भी नहीं, आप सबको इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या, आपको क्या करना चाहिए? आपके मन में कोई नया सवाल? मेरे मन में कोई नया, मेरे मन में कि यार ये चल रहा है अच्छे चले, तो इतना ही चल रहा है मेरे पास। सैटिस्फैक्शन पूरा, कंप्लीट सैटिस्फैक्शन। चलिए अगले मैच में किसी और सपोर्ट स्टाफ के साथ में।